रायविंद रोड पर वाकया लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मारूफ सरमायाकार अब्दुल रजाक अब्दुल्ला हैदर की आमद पर इनकी अहलिया और लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी के इश्तराक से किए जाने वाले पुरतबाक इस्तकबाल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ पहुंचे। अब्दुल रजाक अब्दुल्ला हैदर जब लिमोजीन पर बैठकर लेक सिटी पहुंचे तो इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लोगों ने अब्दुल रजाक अब्दुल्ला हैदर के लेक सिटी पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया और उन पर इतने फूल निछावर किए कि 5 किलोमीटर तवील सड़क ने भी फूलों की चादर ओढ़ ली। हर देखने वाली आंख को ऐसा महसूस हो रहा था गोया जैसे किसी ने आसमान से फूल बरसाए हों। अब्दुल रजाक अब्दुल्ला हैदर अभी लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी में अपनी रिहायशगाह पर जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि ढोल की थाप पर नाचते घोड़ों ने मौजूद मेहमान को गाड़ी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। अब्दुल रजाक अब्दुल्ला हैदर ने अपनी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए रक्स करने वाले फनकारों को भारी रकम से नवाजा। इस मौके पर मौजूद मेहमान की आमद को मजीद जाज़िब नजर बनाने के लिए आधा घंटा जारी रहने वाली आतिशबाजी ने माहौल को जश्न में तब्दील कर दिया, जिससे मौजूद मेहमान समेत लोग भी खासे महजूज हुए। इस पुरतपाक इस्तकबाल की खुशबू पूरे लेक सिटी में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों ने अहलन व सहलन मरहबा के खैर मकदमी बैनर्स को गुब्बारों से बांधकर फिजा में छोड़ा और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। लेक सिटी के मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद फरहान ने सिटी 42 से बातचीत करते हुए कहा कि लेक सिटी में मुहैया की जाने वाली बैनुल अक्वामी मेयार की सहूलियात ने जहां पाकिस्तान के लोगों को मुतासिर किया है, वहीं बाहर के लोग भी यहां आकर बसना चाहते हैं। तो मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट को वेलकम करूंगा लेक सिटी की मैनेजमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि ही इज वेरी रेनाउंड बिजनेस पर्सनैलिटी फ्रॉम कतर एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एज वेल। और आप ये देख सकते हैं कि जिस किस्म की हम लोग बेंचमार्क फैसिलिटीज लेक सिटी में क्रिएट कर रहे हैं, ना के लोकल रेजिडेंट्स बल्कि बाहर से लोग भी आके यहाँ पर रिहाइश पजीर हो रहे हैं, जिसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, जिनके लिए हम लोगों ने आज एक रिसेप्शन का एहतमाम किया जो कि बहुत रंगारंग था। वी वुड लाइक टू अदर ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं वो इन चीज़ों को देखें, इन बेंचमार्क फैसिलिटीज और जो जो हम लोगों ने चीज़ें डिलीवर की हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए दे आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ लेक सिटी फैमिली। सड़क पर होने वाला शानदार इस्तकबाल अभी खत्म ना हुआ था कि अब्दुल रजाक अब्दुल्ला हैदर के इजाज में इनकी अहलिया की जानिब से दिया गया इशाया इनका मुंतजर था। मौजूद मेहमान तकरीब में पहुंचे तो इनकी अहलिया के अजीजों अकारिब से मुलाकात की और उनको नेक ख्वाहिशात से नवाजा। इस मौके पर अब्दुल रजाक अब्दुल्ला हैदर ने सिटी 42 को अपने खसूसी इंटरव्यू में कहा कि वो पहले 2 दफा पाकिस्तान आ चुके हैं और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी ने इनको दोबारा आने पर मजबूर कर दिया है और वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान आते रहेंगे। I hope it's coming improving more better and better inshallah. Very good, was very nice. Okay, and I came 2 years before. Okay, many improving before 2 years up to now. Okay, I plan to stay there in Pakistan. लेक सिटी में अब्दुल रजाक अब्दुल्ला हैदर की आमद पर होने वाले पुरतपाक इस्तकबाल ने जहां मौजूद मेहमान के दिल को गरमा दिया, वहीं बहुत से शहरियों को तफरी का मौका भी मयसर आया। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ आसिम भट्ट, सिटी 42, लेक हाउसिंग सोसाइटी।